स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विशेष फोरियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अबेकस यूपी यानी कि एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किन किन विद्यार्थियों को कराना अनिवार्य है। सो डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना कर पाए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आप किस प्रकार बड़ी आसानी से अबेकस यूपी पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है अबेकस स्पेस यूपी, और जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अबेकस डॉट upsdc.gov.in एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आएगी। अबेकस स्पेस यूपी यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम भी अबेकस था और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम अबेकस यूपी रखा, जिसकी फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। ये यूपी गवर्नमेंट की डाटा कलेक्शन वेबसाइट है जिसमें सभी यूनिवर्सिटी को इनरोलमेंट करना है और सभी जितने भी कॉलेज है उनको भी इनरोलमेंट करना है, और कॉलेज में जो भी स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड सेमेस्टर का हो या कोई भी स्टूडेंट हो कॉलेज का, सभी को इसमें इनरोलमेंट कराना अनिवार्य है, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्टूडेंट्स का डाटा सेफ रह सके या वे देख सके। अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखना चाहते हैं, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्टूडेंट कोई भी हो, अगर वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखना चाहता है तो आप यूज़र मैनुअल पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, उसमें सब प्रक्रिया बताई गई है। और यहाँ पर जो डैशबोर्ड दिया गया है इसमें दर्शाया गया है कि टोटल यूनिवर्सिटी यानी कि अब तक कितनी यूनिवर्सिटी इसमें इनरोलमेंट करा चुकी है, टोटल कॉलेजेस यानी कि कितने कॉलेज ने अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, और ये फैकल्टीज़ है, टोटल फैकल्टीज़, और टोटल स्टूडेंट्स यानी कि अब तक कितने बच्चों ने इसमें इनरोलमेंट किया है, वो सब काउंटिंग यहाँ पर शो हो रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस वेबसाइट में किस प्रकार इनरोलमेंट करा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, और अपना जो फॉर्म है वो बड़े ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर आपको किसी भी कॉलम के बारे में कुछ डाउट है तो उससे आगे प्रोसेस मत कीजिएगा, और अगर आपको किसी कॉलम के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं इसके बारे में कि सर इस कॉलम में क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और हम इसमें किस प्रकार इनरोलमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, क्योंकि आप इसमें पहली बार इनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। आपको इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, चाहे आप ईमेल आईडी वाला ओटीपी डाल सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसे। जैसे ही आपके नंबर पर ओटीपी आ, आपको ओटीपी यहाँ पर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड होगा, और फिर वैलिडेट ओटीपी टू प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको वो ज़िला सिलेक्ट करना है जिस ज़िले में आप पढ़ रहे हो, यानी कि जिस ज़िले में भी आपका कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आपका कॉलेज पढ़ता है। उसके बाद आपको कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, ये कॉलेज का पहला लेटर आप लिखोगे तो आपका कॉलेज का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने जो हाई स्कूल की है वो किस बोर्ड से की है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है,
उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल आएगा, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल, फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में भी कंफर्म पासवर्ड, फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन होगी जिसे प्रिंट करके आपको कॉलेज में जमा करा देना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट करने के लिए आपको दोबारा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और फिर दोबारा आपको स्टूडेंट पर क्लिक करके इसे लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करोगे, अगर आपका एडिट कॉलेज है तो आप गवर्नमेंट एडिट कॉलेज ऐड करोगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें अभी भी तीन स्टेप बचे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट करंट प्रोफाइल और फिर प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल। ये तीन स्टेप्स जो कि बचे हुए हैं ये आपको फिल करने हैं स्टेप बाय स्टेप और ये कंप्लीट करके फिर आपको अपना फॉर्म लॉक करना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन दिखाते हैं कि आप इन्हें किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम प्लीज़ कंप्लीट स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, उसके बाद अपना आधार नंबर, अपनी कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर आपको माइनॉरिटी स्टेटस, उसके बाद रेजिडेंस ऑफ, उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी, उसके बाद फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ टाइप करना है, जैसे कि आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मदर नेम क्या है, फिर उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, मोबाइल नंबर, बाद स्कॉलरशिप आईडी अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज इसमें आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर चलना है, एड्रेस वाले पर। इसमें आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद आपको एकेडमिक इन्फो में आना है और अपनी हाई स्कूल की, इंटर की या फिर आपका कोई भी अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर वाइज कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी डिटेल आपको इसमें फिल कर लेनी है। जहाँ तक पॉसिबल है आप वहाँ तक इसमें फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे कॉलम फिल करने हैं। जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है आप वहाँ तक इसमें फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आना है। इसमें आपको अपने सारे जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट, यानी कि जो भी आपकी अब तक की क्वालिफिकेशन है 10th के बाद, उनकी सारों की आपको एक PDF बनानी है और वो इसमें अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड करना है आपको। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर लेना है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको अब आना है सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में है स्टूडेंट करंट प्रोफाइल। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है, जैसे कि ईयर, कौन सा ईयर है इस बार और सेमेस्टर कौन सा है आपका इस बार, और आपने क्लास ऑनलाइन की है या ऑफलाइन की है, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस फिल कर लेना है अपना। एड्रेस फिल करने के बाद उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर और ब्रांच का नाम, जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स है वो आपको इसमें फिल कर लेनी है। और अकाउंट डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप दो स्टेप कंप्लीट कर लोगे अपने फॉर्म के। फिर से आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको जो थर्ड स्टेप आपका बचा हुआ है, प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, इसको आपको फिल करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। ये जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है वो आप बड़े ध्यानपूर्वक भरिएगा। एक एक स्टेप अगर आपके कोई समझ में नहीं आता है तो आप इसे कॉलेज द्वारा पूछ कर ही भरना। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लॉक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक भरिएगा स्टेप बाय स्टेप। और फिर भरने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये अगर तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं आपके तो फिर आपको लॉक करना है।
लॉक करने के लिए जैसे आप इस लॉक पर क्लिक करते हैं, अगर आपके जो तीनों स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो उनके सामने राइट का निशान आएगा, अदरवाइज क्रॉस का निशान आएगा जैसे कि इसमें आ रखा है। जब आपके तीनों स्टेप्स के सामने राइट का निशान आ जाएगा यानी कि आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो इस प्रकार आपका जो फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो लॉक हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो अबेकस पर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा यानी कि एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इस पोर्टल पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट।